बिहार के बक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। चंदा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और भारी मात्रा में आधे बने हुए पिस्टल बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री चलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हथियार जो आधे बने पिस्टल हैं, इसको कितने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था, एक मिनी गन फैक्ट्री मिली है बक्सर से। और अब आपको इसकी और डिटेल देते चले। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि NH 922 पर चंदा गांव में वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर पर मिनी गन फैक्ट्री संचालन किया जा रहा है और वहां से क्या मिला ये देखिए आप। अच्छा खासा आधे बने पिस्टल की तमाम मटेरियल, वो इक्विपमेंट्स जिससे मिनी गन फैक्ट्री में ये सब कुछ चल रहा था। इसके बाद छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आधे बने हथियारों का जखीरा मिला है, इनको बनाने में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो है। अपना मुंह ढके ये आपको आरोपी नजर आ रहे हैं जिनका नाम बताया जा रहा है वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। चंदा गांव में, गांव के भीतर इन्होंने किस तरीके से मिनी गन फैक्ट्री को बनाने के लिए अच्छा खासा अपना विस्तार कर लिया था, क्योंकि इतने सारे आधे बने जो पिस्टल थे वो बरामद हुए हैं, इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली हैं और अच्छी खासी संख्या है इनकी। एक सूचना के बाद पुलिस ने चंदा गांव में, बक्सर के चंदा गांव में छापा मारा और छापा मारने के बाद जो चीजें मिली हैं वो आपके सामने हैं। चौंकाती हैं खबरें। हाईवे के किनारे चंदा गांव है और वहां पर वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव नाम के घर पर बताया गया कि इनके घर पर मिनी गन फैक्ट्री है। पुलिस ने छापा मारा तो जो चीजें मिली वो चौंकाने वाली, और इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े आधे बने हथियार मिले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी की गई है। नए बदलाव के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में होगी 1691.50 रुपए, तो मुंबई में कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर की कीमत 1605 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए होगी। आरक्षण और जाति जनगणना के नतीजों को नवी सूची में डालने की मांग पर आज आरजेडी का पटना में बड़ा प्रदर्शन। तेजस्वी यादव भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास धरना देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर सियासी घमासान जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ सुबह 10 बजे महाविकास अघाड़ी का आज मुंबई में मार्च होना है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता शामिल होंगे। पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक आज दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे। 6 बार के विधायक, 14 साल तक बिहार के मंत्री रहे श्याम रजक ने 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर सकती है। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियों का ऐलान हुआ है। आप नेता आज हरियाणा में झोंकेंगे ताकत, तो मनीष सिसोदिया बल्लभगढ़ में रोड शो करेंगे, भगवंत मान अंबाला में रैली करेंगे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जनसभा चरखी दादरी में करेंगे। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक जारी है। बैठक के पहले दिन कुल 4 सत्रों में बातचीत हुई। पहले सत्र में वायनाड त्रासदी पर आरएसएस के सहयोग, बंगाल में मौजूदा हालात और पंजाब को लेकर खास बातचीत की गई। आरएसएस की बैठक में पहले दिन बांग्लादेश और उसके हालात पर किस तरीके से चर्चा नहीं की गई। संघ की बैठक में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है। राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे समेत 40 नेताओं के इसमें नाम शामिल है। आइए अब तीव्र गति से सबसे पहले ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी जो अपडेट है आपको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया, बच्चे को हमले में घायल किया। यूपी के बहराइच में हमलावर भेड़िए की तलाश जारी। ड्रोन कैमरे में कैद हुए 2 भेड़िए, आज ही दोनों को पकड़ने की तैयारी में जुटी वन विभाग की टीम। बहराइच के डीएफओ ने कहा, 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश, एक साथ ही रहते हैं दोनों भेड़िए, विशेष हालात में बिना खाए पिए 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं भेड़िए। बहराइच के करीब 100 गांवों में भेड़िए का आतंक है। कमिश्नर ने कहा कि भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 15 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं।
बहराइच में भेड़िए तो लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार है। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की 14 लोगों की टीम है जो निगरानी कर रही है। जगह जगह नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए। यूपी सीतापुर में भेड़िए ने नहीं सीआर ने हमला किया था। वन विभाग ने जानवर के पैरों के निशान से पहचाना। एसडीओ विकास यादव ने कहा बहराइच से सटे इलाकों में कड़ी सुरक्षा कड़ी निगरानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हमलावर बाघ की तलाश। डीएफओ संजय बिस्वाल ने कहा परसों इमलिया गांव के पास बाघ की लोकेशन मिली थी। बाघ के आदमखोर होने की अफवाह है। सीतापुर में बाघ की दहशत। बाघ के झुंड का कठिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर आई थी। दिन में बाहर निकलने से ग्रामीण बच रहे हैं। वन विभाग जल्द इन्हें पकड़ने का दावा कर रहा है। बीजेपी आज महाविकास आघाड़ी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। एमबीए पर प्रतिमा गिराने के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन होगा। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने मूर्ति गिराने पर पीएम मोदी के दिए बयान पर कहा कि बस इतना ही कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होगा। 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा चुनाव आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए यह फैसला लिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पत्र लिखकर चिंता जताई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने पहली हार मान ली है। तारीखें आगे बढ़ाने का चुनाव आयोग के पास अधिकार है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान बीजेपी चुनाव में करती है धांधली। शायद धांधली के लिए ही बीजेपी के पास समय नहीं बच पा रहा होगा इसलिए तारीखें आगे बढ़वा दी गई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हमेशा से लोकतंत्र का गला घोटने का रहा है कांग्रेस का चरित्र। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हार से बचने के लिए बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा चाहे चुनाव की तारीखें रद्द करवा ले तारीख आगे बढ़वा ले या कुछ और भी करवा ले लेकिन इस बार बीजेपी की हार तय। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा कि लंबी छुट्टी की वजह से करीब 20 फीसदी लोग मतदान नहीं करते। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पहले भी टाली गई है चुनाव की तारीखें। बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई थी। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा में आपका चुनाव प्रचार जारी। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करेंगे। सांसद के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया हाईकमान से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। किसान मजदूर का सत्ता में एक हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस नेता जीए मीर का दावा जम्मू कश्मीर की 75 सीट पर कांग्रेस एनसी मजबूत गठबंधन है। 4 सितंबर को राहुल उमर अब्दुल्ला एक साथ रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने पूछा तारीखें घोषित करते समय क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि त्योहार है। ये चुनाव को संदिग्ध बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा जमहूरियत का तकाजा होता है कि हर समाज के भावनाओं का सम्मान किया जाए। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन की तैयारी। रामबन के एसएसबी कुलबीर सिंह ने कहा कि हम आसपास के हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखें। आरक्षण की मांग को लेकर के आरजेडी का पूरे बिहार में प्रदर्शन। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल कराने की मांग।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दिए बयान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, ये एक जाति विशेष पर हमला है। अशोक चौधरी पर बैंक का 100 करोड़ कर्ज नहीं लौटाने का आरोप। अशोक चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति उन्माद पैदा करना चाहते हैं जेडीयू के लोग। ये लोग क्यों नहीं चर्चा करते कि भूमिहार समाज में कितने लोग बेरोजगार हैं। पीएम मोदी ने निवेशकों से वादा किया, मुहैया कराएंगे स्थिर नीति वाली व्यवस्था, देश में निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता, विकास के लिए लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, महिला महासचिव समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केरल के पालाकड़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज अहम बैठक होनी है, कई क्षेत्रों में मशहूर हस्तियों से आज मुलाकात करेंगे। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने जानकारी दी, 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 8 सितंबर को डलास में बैठक तो 9 से 10 सितंबर को वॉशिंगटन में मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव ने एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी, धोखा देने वालों की करे पहचान, एलजेपी को तोड़ने वालों में शामिल नहीं थे विपक्ष के नेता, पता लगाएं कि कौन कर रहा है साजिश। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर जेडीयू में वापसी होनी है, पटना में जेडीयू का दामन थामेंगे। 2022 में जेडीयू छोड़ आरजेडी गए थे और इसी साल 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी है, आज पटना में बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाए, बोले कि शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं स्थानीय सांसद अजय मंडल, वसूली का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने दिल्ली के आप सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया, सरकार में स्मोक टावर लगाने में घोटाला हुआ है, केंद्र ने 38 करोड़ रुपए दिए थे, दिल्ली सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ खर्च किए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए, कंगना के मुद्दे पर क्यों चुप है भगवंत मान, ये पूछा, कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, कंगना रनौत के बयान को बताया किसान विरोधी, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। और देश की बड़ी खबरें क्या हैं? वो भी देखते हैं तीव्र गति से। हरियाणा के चरखी दादरी में झुग्गियों में रहने वालों में डर का माहौल है, हंसावस खुर्द गांव के लोगों ने कहा कि झुग्गी खाली कर रहे हैं, उस दिन पुलिस ना पहुंचती तो हम भी मारे जाते। झुग्गी में रहने वाले नसरुद्दीन ने कहा कि हम मेरे साथ भी मारपीट हुई, पहले दिन आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा गया, बोल रहे थे कि क्या बांग्लादेश से हो, फिर अगले दिन 6 से 7 लोग आए और पिटाई की। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में रहता है मारे गए शख्स का परिवार, सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी ली, आर्थिक सहायता देने का वादा किया। चरखी दादरी मामले पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गौरक्षा के लिए कानून सख्त है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बेगूसराय के एसपी ने कहा कि शहजाद उर्फ सैफी ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार किया, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्षेत्र की मांगों को लेकर गिरिराज सिंह के पास गए थे सैफी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों ने पीटा, अरेस्ट करवाया। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप है, केंद्रीय मंत्री ने कहा अगर इस आदमी के हाथ में पिस्तौल होता तो ये मेरी हत्या कर देता, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कि बिहार और यूपी में इन नेताओं का समर्थन मिलने से अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, ममता बनर्जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अगर उनसे नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को हताश बताया। कहा कि कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बाद कोई भी गिरफ्तार तो हुआ नहीं, अगर दिलीप घोष को न्याय चाहिए तो सीबीआई ऑफिस जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप, ममता बनर्जी को सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई का सहयोग करें। टीएमसी नेता शशि पांजा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि अगर बीजेपी को कोई जानकारी को सीबीआई को दे तो सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी, पुलिस पर हमले के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध प्रदर्शन जारी, डॉक्टर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर विरोध जताया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में हुई घटना का विरोध किया, पीड़ित परिवार के साथ न्याय मांग की, डॉक्टरों के सुरक्षा की भी मांग सामने रखी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला यूट्यूबर ने लगाए छेड़खानी के आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाए हैं। वंदे भारत के उद्घाटन के सिलसिले में इसे कवर करने गई थी, जीआरपीए ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़ के आरोप पर सियासत शुरू हुई, समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता गलत हरकत करते हैं, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वंदे भारत ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ मारपीट का मामला, मुरादाबाद रेल मंडल के डीआरएम ने बताया ये छोटी घटना, कहा कि उत्साह में कभी कभी छोटी घटनाएं हो जाती है। अल्मोड़ा में बीजेपी के नेता पर 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, आरोपी नेता फरार है, बीते 24 अगस्त की घटना बताई जा रही है, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस के भीतर रेप का आरोप, बस ड्राइवर ने को गिरफ्तार किया गया, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने का आरोप। मुंबई के घाट को ऊपर में होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, कहा झूठे आरोप में फंसाया गया, लोकसभा चुनाव के लिए की गई थी गिरफ्तारी। छात्र नेता सायन लाहिरी की जमानत को ममता बनर्जी सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई, नबन्ना मार्च के दौरान गिरफ्तारी हुई थी, हाई कोर्ट ने जमानत दी है। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल से हिडन कैमरा मिलने का मामला, एसआईटी को जांच सौंपी गई, इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लगा था ये कैमरा। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने शख्स को जबरन फंसाने की कोशिश की, जेब में ड्रग्स रखा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच की, चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई के भांडुप में एक बिल्डिंग में एंट्री को लेकर विवाद हो गया, सिक्योरिटी गार्ड ने जिम ट्रेनर को रोका, गुस्से में जिम ट्रेनर ने बेरहमी से पिटाई की, गार्ड की मौत हुई। मुंबई से मशहूर जावेरी बाजार में ठगी करने वाले गैंग एक्टिव हैं, ज्वेलरी के लिए देश का सबसे बड़ा मार्केट है जावेरी बाजार, कारीगरों को चूना लगाकर ये फरार हो जाते हैं। कानपुर में गंगा नदी में नहाते समय डूबे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदित्य वर्धन बनारस में तैनात थे, एनडीआरएफ की टीम गोताखोर तलाश में जुटे। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को सुरक्षा में मिले तैनात, तीन सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक दो सुरक्षाकर्मियों ने एक सुरक्षाकर्मी का सिर फोड़ा, विवाद क्यों हुआ ये साफ नहीं। यूपी के फतेहपुर में कार चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, बाइक और पुलिस जीप से पुलिसकर्मी ने पीछा किया, ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से गिरफ्तारी हो पाई, वीडियो वायरल। आईटीबीएचयू की छात्रा से गैंगरेप का मामला, दो आरोपियों की रिहाई के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, विपक्ष ने लगाया आरोपियों के बीजेपी आईटी सेल से जुड़े होने का आरोप। तीव्र गति से बाढ़ बारिश की खबरें आपके सामने होंगी। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा, सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान, लोगों को समंदर किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है तूफान, असर अब दिखाई दे रहा है, आंध्र तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी।
पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगा है तूफान का असर। पश्चिम मेदिनीपुर में लगातार बारिश, घटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात, खेत मंदिर अस्पताल सड़कों तक भरा पानी। गुजरात के सूरत में अभी भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार मूसलाधार बारिश है और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, बारिश रुकने से कई इलाकों में घटने लगा है पानी, पिछले कई दिनों से बाढ़ जैसे हालात थे। राजस्थान के कई जिलों में अभी भी जारी है बारिश का सितम, जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव, शहर की कई सड़कें पानी में डूबी। दिल्ली में बारिश की वजह से नांगली विहार मार्केट में भारी जलभराव, बाजार में कारोबार पर असर पड़ रहा है, नाराज कारोबारियों ने आवाज उठाई।